जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, वो भी ट्रिगोनमेट्री का। खेला करते रहिए ट्रिगोनमेट्री से, क्योंकि इतने सारे हम यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने लेके आए हैं जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर को निकाल सकते हैं। कहते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेके आए हुए हैं। यहाँ पे नो ड्रामा नो क्लिप, ओनली फॉर्मूला का बहार यहाँ पे है। तो चलिए देखते रहे यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे बना रहे, क्या क्या फॉर्मूला आपके सामने लेके आए हुए हैं जो की किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे, और आप यहाँ पे देख रहे प्लेटफॉर्म पे हर एक दिन एक नया लेके आते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे ट्रिक आपके सामने लेके आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, पहला बात यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो पहला आपके सामने फॉर्मूला लेके आए हुए, क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। सेकंड यहाँ पे क्या लिखे हुए, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर क्या होता है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपको यहाँ पे दो चीज आपको टर्म याद रखना है, यदि यहाँ पे प्लस रहता है तो आपको यहाँ पे प्लस देना है, यदि यहाँ पे माइनस रहता है तो आपको यहाँ पे माइनस देना है। चलिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। सेकंड यहाँ पे देखते हैं कि कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब यदि प्लस रहेगा तो यहाँ पे दो बार कॉस आएगा, यहाँ पे दो बार साइन आएगा। यदि यही चीज यदि आपका माइनस में रहता है, कॉस ए माइनस बी रहता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी करना है, प्लस आपको यहाँ पे करना क्या करना है, साइन ए इंटू साइन बी। मतलब क्या, प्लस रहेगा तो माइनस करना, माइनस रहेगा तो प्लस करना। भूलिएगा क्या, भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे तरीका को बता रहे हैं कि कैसे नहीं भूला जाता और कैसे याद किया जाता है। प्लस यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि टेन ए प्लस टेन बी, नीचे आपको नीचे बाय में क्या करना है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी कर देना है। आपको ये इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे एसएससी के एग्जाम के लिए होता है, टेंथ स्टैंडर्ड वाले लोग भी देखते हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी करना है, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी करना है। मतलब यदि आपका यहाँ पे प्लस का टर्म रहता है तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, यदि आपका यहाँ पे माइनस का टर्म रहता है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है। और ये ट्रिगोनमेट्री के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जो होता है ट्रिगोनमेट्री, एक से दो नंबर आपका एकदम आता ही आता है। चलिए, यहाँ पे सेकंड वाला आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या होता है जो कि ये एग्जाम में पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ रहता है, फिर से आपको पुट द वैल्यू और गेट द आंसर आपको यहाँ पे करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे आपका तीन टर्म से आता है, मतलब कि आपका प्लस के टर्म में भी आएगा और आपका माइनस के भी टर्म में आता है। यदि प्लस के टर्म में रहता है, मतलब साइन सी प्लस साइन डी के टर्म में रहता है, तो आपको क्या करना है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू करना है, इंटू क्या करना है, कॉस सी माइनस डी बाई टू कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन सी माइनस साइन डी दिया हुआ। आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन सी माइनस साइन डी रहेगा तो आपको यहाँ पे करना है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू करना है, इंटू क्या करना है, साइन सी माइनस डी बाई टू करना है। इसी तरह यदि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्म रहता है तो आपको यहाँ पे करना है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू करना है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू करना है। यदि यहाँ पे कॉस सी माइनस डी के टर्म रहेगा, यहाँ पे प्लस के टर्म, यहाँ पे आपको माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना। प्लस और माइनस में काफी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे दिक्कत होता है कि सी में क्या होता है, डी में क्या होता है, तो आपको बस ये याद रखना है, यदि प्लस का टर्म रहता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉस कॉस का टर्म कर देना है, लेकिन आपको यदि माइनस का टर्म रहता है तो आपको यहाँ पे साइन साइन का टर्म करना है। मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी रहता है तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, साइन डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या करना है कि कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, इस वन माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, जो कि ये किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या, साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है, फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस ए होता है। टेन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए हो जाएगा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे इतने सारे ट्रिगोनमेट्रिक का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन को बनाने के लिए जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, मतलब फॉर्मूला था, तो अब यहाँ पे हम आपके सामने लेके आए हुए थे जो कि इतना ही था। और यदि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यदि आपके आपके लिए यदि अच्छा होगा तो हम आपके सामने जरूर अगले वीडियो पे लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो पे बने रहे और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी सारे चीज को बताते हैं, एग्जाम से रिलेटेड को बताते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज को बताते हैं। चलिए, हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म बने रहे। जय हिंद दोस्तों।